देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, राष्ट्र की आवाज से पलजीत पासवान। आज झाझा गांधी चौक पे फिर आंदोलन चल रहा है। जी का प्रतिमा को लेकर अभी तक कोई भी पदाधिकारी के कान में एक चू तक नहीं गया है। जो कि प्रतिमा अभी तक टूटा हुआ, जो खंडित हो चुका है, वो लगा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे भारत और पूरे वर्ल्ड में कभी दो दो डंटा वाले गांधी जी को नहीं देखे हैं, और आज झाझा में दो डंटे वाले गांधी जी को देखना पड़ रहा है। ये बहुत दुख की बात है पूरे भारत की जनता का। अरे भैया, जिला पार्षद धर्मदेव यादव जी इस कार्यक्रम में पहुंचे और बहुत सुंदर बात को रखे हैं। इन्हें जल्द से जल्द 30 जनवरी तक अगर जिला प्रशासन अगर खंडित प्रतिमा को जल्द से जल्द नहीं अनावरण कराया गया तो झाझा के लोग उग्र आंदोलन भी करना जानते हैं और शांति आंदोलन भी करना जानते हैं। इसी के साथ मैं अपना मेरे हाथ में अभी भी टॉर्च है और इस टॉर्च के माध्यम से इस भरे उजाले में मैं ऐसे लोगों को खोज रहा हूँ, ऐसे जनप्रतिनिधि को खोज रहा हूँ, ऐसे पदाधिकारी को खोज रहा हूँ जो महात्मा गांधी जी के नाम पर महात्मा गांधी जी का अपने चैम्बर में तस्वीर लगा करके अपने आप को बड़ा निष्ठावान बताते हैं। वह बताते हैं कि मैं गांधी जी को सच्चे मन से पूछता हूँ, लेकिन आज गांधी जी के हाथ में दोनों हाथ में लाठी थमा दिया गया है। वह शासन प्रशासन वह जनप्रतिनिधि कहाँ सोए हुए हैं। आज इस भरे उजाले में वैसे लोगों को मैं खोज रहा हूँ जो गांधी जी के प्रति सच्ची निष्ठावान रखते हैं, लेकिन आज वह यहाँ पर नजर नहीं आ रहे, सिर्फ दिखावे के लिए। एक ही चीज का आंदोलन आज गांधी जी का प्रतिमा को लेकर चल रहा है। अभी ये क्या हो रहा है सर, आज का आंदोलन क्या है? भारत पर जब अंग्रेजों की हुकूमत थी तो उस समय अंग्रेजों की हुकूमत सिर्फ भारत पर नहीं, आधी दुनिया पर उनकी हुकूमत थी औपनिवेशिक काल में। उस समय भी गांधी जी ने अंग्रेजों से कड़ा मुकाबला करते हुए और भारत को आज़ादी दिलाई। शॉर्ट में जो है हम कह रहे हैं, उस समय भी गांधी जी एक लाठी के सहारे अपना जो है पूरा शरीर संभालते थे। आज हम लोगों ने क्या कर दिया है आप देखिए कि दूसरी लाठी भी उन्हें थमा दी है। देश के आज़ादी के 75 साल के बाद जो है हम इतना संवेदन शून्य हो गए हैं। हम लोग आज जो है टॉर्च जलाकर प्रशासन को खोज रहे हैं कि आखिर जो है 10 दिन हो गया है, 10 दिन हमारे यहाँ के जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं लगातार 10 दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन इस पर आज तक जो है ना तो DM की तरफ से सिर्फ एक अनुमंडलाधिकारी की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, वो भी ऑफिशियल नहीं है, ना तो DM की तरफ से ना तो सरकार की तरफ से जो है इस पर सुन ली गई है। हम लोग वैसे लोगों को खोज रहे हैं, वैसे प्रशासनिक अधिकारियों को खोज रहे हैं, राजनीतिक लोगों को खोज रहे हैं जो गांधी जी का नाम लेकर पूरा माल बटोर रहे हैं, राज भोग रहे हैं, सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन गांधी जी की हत्या 1948 में नहीं बल्कि आज भी हो रहा है। जो वो उस समय जो उन्होंने जो आज़ादी दिलाई थी उसका वो जो है आज सत्ता में भोगने के बावजूद भी, सत्ता में रहने के बावजूद भी उनकी सूद नहीं लेते हैं। सिर्फ 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को आके उनके समाधि स्थल पर फूल माला चढ़ा के फिर भूल जाते हैं। उनको याद करने की जरूरत है, उनके विचारों को हम लोग समाज में फैलाने की जरूरत है, उनकी प्रतिमा की। जब रक्षा नहीं कर सकते तो उनके विचारों को क्या रक्षा करेंगे, क्या अपनाएंगे, क्या आत्मसात करेंगे। इसलिए हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं कि